सर यही कोरोना के चक्कर में इन्होंने बनाया हुआ है, सब कोई समझ नहीं आ रही है इन लोगों की। हम डेली इधर अप डाउन करते हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे काम करते हो? सर हम इधर कठुआ में काम करते हैं। इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं कि हद से ज़्यादा, कोई समझ नहीं आ रही है क्या चाहते हैं क्या नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे इनका पालन पोषण करना, हमने कोई समझ नहीं आ रही है। इन्होंने इतना ड्रामा बना के रखा हुआ है, बहुत परेशान है सर हम। पठानकोट से आई हूँ, रियासी जाना है वापस। तो यहाँ पे लखनपुर में क्या परेशानी आई? लखनपुर में आके ये परेशानी है छोटे बच्चों के साथ, पहले तो इधर कोविड टेस्ट करवाओ, उसके बाद गाड़ियों का वेट करो। ऐसा तो कहीं दिल्ली में भी नहीं हो रहा, लोग इतनी इतनी रैलियाँ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जे एंड के में क्यों इतनी परेशानी हमें, मतलब हम लोगों को हो रही है। मैं श्रीनगर जा रहा हूँ सर। अच्छा, तो बताएंगे कि क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी सर जी, परेशानी देख लो, कभी पूरा 2 घंटे हो गया लाइन में लगे, कभी वो करो वो करो, बहुत परेशानी आ रही है। किनिया जनता रैलियाँ कर रही हैं, और दिल्ली में की हो रहा, उत्थे कोरोना नहीं है कि कोरोना सिर्फ इतने आ रही है, स्कूलों में आ रही है कोरोना, जहाँ पर मतलब जिन्ना पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, कोई कोरोना कोरोना नहीं हैगी, सब पखंडा सरकार दे जी। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, यहाँ पे गए थे पंजाब, मतलब की वहाँ पे तो किसी ने नहीं पूछा, देखो ना मैं छोटी सी बच्ची है, मेरी तंग कर रही है, वहाँ पे किसी ने नहीं हमें पूछा, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं, हमारा आधार कार्ड भी उधर का, हमने बोला की वहाँ कह रहे नहीं टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, जरूरी है, ये छोटे बच्चों को भी नहीं देख रहे की छोटे बच्चे रो रहे हैं, इतना भी नहीं सोचते ये लोग। तो आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? यही करेंगे कि जब पंजाब में नहीं किसी ने पूछा तो यहाँ पे क्यों इतनी दिक्कत कर रहे हैं हमें। देखो जी, हम पंजाब से हैं, साथ में हमारे हिमाचल भी है, लेकिन होता क्या है कि हिमाचल ने भी ये किया है कि टेस्टिंग रिपोर्ट आपको ज़रूरी है, लेकिन टेस्टिंग रिपोर्ट उस बंदे को ज़रूरी है जिसने हिमाचल जाके हिमाचल के किसी होटल में स्टे करना है, अदरवाइज़ वो अपना कोई अप एंड डाउन करना है, अपने किसी कारोबार के लिए जा रहा है, तो उसको कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ हर महीने आते हैं, लेकिन हर महीने यहाँ टेस्टिंग करनी पड़ती है, पहले ये 2 मिनट में रिपोर्ट देते थे, आज ये कह रहे आधे घंटे में रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ आप देख लो, आप कैमरा घुमा के देख लो, ये टेस्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंस आपके सामने सारा, तो जो सरकारी गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है, उसमें बोलते हैं कि 2 गज की दूरी, तो आप मेरे को ये बताओ कहाँ 2 गज की दूरी है, बताओ, आप कैमरा घुमा के देखो, ये सारे ये पुलिस वाले बंदे भी खड़े हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये 2 गज की दूरी है कहाँ पर ये बताओ, खुदा का खासा कोई किसी को दिक्कत आ जाए तो भैया ये सारे इफेक्टेड हो जाएंगे। तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखो, सरकार से मांग यही है कि जो आपको लगता है कि जो गाइडलाइन ज़रूरी है सबके लिए, जो आप जो भी गाइडलाइन जारी करते हो वो सारे हमारे लोगों के लिए है, तो हम ये चाहते हैं अगर आप हमारी सेफ्टी की इतनी आपको परवाह है तो सोशल डिस्टेंस प्रॉपर बना के रखो, ठीक है। तो पहले ये था कि अब यहाँ पर एंट्री भी करानी पड़ती थी, तो अब ये अगर आपने ये ज़रूरी आपको लगता है कि ये ज़रूरी है तो करो, लेकिन ये सोशल डिस्टेंस बना के रखो, कोई एक मैंडेटरी बनाओ कि किस स्टेट में जाने के लिए या किस डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए ये कोविड टेस्ट ज़रूरी है। हम तो वैष्णो देवी जाते हैं, ये हम टेस्ट करा के जाते हैं, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, ये सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है तो सबके लिए ज़रूरी बना के रखो ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हो सबका। यानी सर यही है कि ये कोरोना टेस्ट करते हैं, रोज़ जाना काम में, फिर रोज़ हमें कोरोना टेस्ट करते हैं, तो जाएंगे कमाएंगे तो खाएंगे, वही खाएंगे क्या खाएंगे। आप रोजाना इधर जम्मू में? हाँ, डेली जाते हैं।